काजल राघवानी या मोनालिसा, जानिए कमाई के मामले में कौन किसे देता है मत। मोनालिसा ने लंबे वक्त तक भोजपुरी सिनेमा में काम किया है, तो वहीं काजल राघवानी आज भी भोजपुरी सिनेमा की क्वीन बन इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। भोजपुरी सिनेमा में मोनालिसा काजल राघवानी का नाम टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कमाई के मामले में कौन किससे कितना आगे है? अगर नहीं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मोनालिसा ने लंबे वक्त तक भोजपुरी सिनेमा में काम किया है, तो वहीं काजल राघवानी आज भी भोजपुरी सिनेमा की क्वीन बन इंडस्ट्री पर राज करती नजर आ रही हैं। इन दोनों की एक्ट्रेस ने भोजपुरी सिनेमा में खूब नाम कमाया है, इसलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि कमाई के मामले में कौन किस पर भारी है। सबसे पहले बात करते हैं मोनालिसा की। मोनालिसा ने भोजपुरी सिनेमा में तो नाम कमाया ही, साथ ही टीवी इंडस्ट्री पर भी अपना डंका बजाया है। मोनालिसा की नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस 35 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। मोनालिसा अपनी हर दूसरी फिल्म के लिए 7 से 10 लाख रुपए चार्ज करती हैं। अब बात करते हैं काजल राघवानी की। क्या आप जानते हैं कि काजल राघवानी ने अपना फिल्मी सफर 11 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था? जी हां, काजल राघवानी ने अपने करियर की शुरुआत मराठी फिल्मों से की थी और आगे चलकर उन्होंने एक से बढ़कर एक भोजपुरी फिल्मों में काम किया। काजल राघवानी अपने फिल्मी सफर में 50 से ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। काजल राघवानी अपनी हर दूसरी फिल्म के लिए 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करती हैं। काजल राघवानी की नेटवर्थ करीब 14 करोड़ रुपए है। आप इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी अदाकारा किस पर भारी पड़ी है। ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को।